हेलो एवरीवन, आई एम शुमंश मेश्वरी। आई एम रेखा मेश्वरी। हम बनाने जा रहे हैं आज शादी हिंद, जिसका नाम हमने अपने अभी हिंदवाड़ा में जो शहीद हुए हैं उन जावाजों के नाम के पहले अक्षर के नाम पर रखा गया है। हमने ये चार डिशेस तैयार कर ली हैं। फ्यूजन डिश बनाने के लिए पहली डिश पंजाब के पिंडी छोले हैं, समर्पित है शहीद सिपाही राजेश कुमार जी को। दूसरी डिश उत्तर प्रदेश की तहरी है, जो समर्पित करती है शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा जी को। तीसरी डिश है हरियाणा की बाजरे की खिचड़ी, समर्पित है शहीद मेजर अनुसूद जी को। चौथी डिश उत्तराखंड की आलू की तिचौरी है, जो समर्पित है शहीद नायक गणेश सिंह जी को। ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर की इमली मूली की चटनी है, जो शकील काजी जी को समर्पित है। अब हम इसका फ्यूजन स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे पिंडी छोले। तहरी, बाजरे की खिचड़ी, आलू की तिचौनी, दो से तीन स्पून हमें ये डालनी है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी हमने अच्छे से मिक्स कर ली है। मिक्स करने के बाद अब हम हाथ पे ऑयल लगाएंगे एंड पे। इसके बाद छोटी छोटी इसकी टिक्कियां बनाएंगे। ऐसे ही हम छोटी छोटी टिक्कियां बना लेंगे इसकी। अभी हमारी सारी टिक्कियां रेडी हो चुकी हैं, ये देखिए। अब हम इसके लिए एक पैन गरम करेंगे। अब पैन गरम हो गया है, अब इसमें हम ऑयल डालेंगे। थोड़ा सा ऑयल डालना है, ज्यादा नहीं डालना। अभी पैन गरम हो चुका है, अब हमें टिक्कियों को स्लो फ्राई करना है। थोड़ा सा ऑयल डालना है। ये शैलो फ्राई हो रहे हैं, अब हम इन्हें पलटेंगे अपनी हल्का से ऐसे। ये देखिए कितने करारे हो चुके हैं, क्रिस्पी लग रहे हैं। इनका खाने में भी टेस्ट बहुत यम्मी है। आप चाहो तो इन्हें ऐसे भी खा सकते हो। ये देखिए इसमें इतना अच्छा सा कलर आया है। और हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और फिर इसको स्लो फ्लेम पे हमें इसे पकने दें। जब तक ये करारी हो रही है, हम एक पैन लेंगे, इसको साइड रख देंगे। एक पैन लेंगे, इसमें पानी डालेंगे। आपके पास अगर स्टीमर है तो आप स्टीमर का यूज कर सकते हैं। हमारे पास स्टीमर, हमने स्टीमर की जगह इसका यूज किया है, कढ़ाई का। इसके ऊपर हमने रखा है ये सीव। ये अच्छे से बन गई है, अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए
अब हमारी टिक्की रेडी हो गई है, देखिए कितनी क्रिस्पी और टेस्टी लग रही है। इनको हम साइड रख देते हैं। अब हम एक ये बाउल लेते हैं, इसके अंदर हम फाइलिंग करेंगे। ये हमने बैटर बना रखा है सूजी का, इसको लगाना है हमें। इसको अच्छे से ऑयलिंग करनी है ताकि हमारा बैटर आराम से निकल जाए। इसमें हमने ये बैटर डालना है नीचे, इसको 2 मिनट के लिए हमें स्टीम पे छोड़ दिया। ये हमारा ऑयल गर्म हो गया है, इसको रख दें। हो गए हैं, अब हम इसे खोल के देखेंगे। तो ये पक चुका है, अब हम इसमें अपनी ये टिक्की डालेंगे। इसके ऊपर ये बैटर डालेंगे। हमने डाल दिया है, पूरा मिक्स कर देंगे हम। अब इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ढक के स्टीम के लिए। तो हमारे 10 मिनट हो चुके हैं, हम इसे खोल के देखेंगे। पक चुका है और हम इसमें ये पूरा क्लियर है, यानी कि हमारा ये पक चुका है। अब इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। ये रेडी हो चुका है हमारा। हमारी रसादी डिश तैयार हो चुकी है, आप इसे मूली इमली की चटनी के साथ खाइए, ये बड़ी स्वादिष्ट लग रही है। हम इससे अपने सोल्जर्स को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जै भारत।